काफी अच्छी जगह है ये भी, चैनल पे लेना ठीक है, ऐसे देखो तलवार ही। तो हे गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्लाइट राइडर में फिर से स्वागत आप सभी का। तो भाई आज मेरा लास्ट दिन है चंडीगढ़ में घूमने का, और भाई भाई के साथ मैंने सोचा भाई थोड़ा भाई के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो हमारे साथ आज भाई जस्सी भाई हमारे, भाई मेरे को मिल गया था, अच्छा लगा इनके साथ ना टाइम स्पेंड करके, मतलब पता ही नहीं लगा ये दो तीन दिन कब निकल गए कैसे निकल गए। बट ये भी थोड़े बिजी होते हैं, नहीं तो भाई फ़ोन करते भाई आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैं पावर वगैरह के बारे में बताएंगे आपको अच्छे से भाई क्या क्या है, बाकी भाई डिटेल्स भाई से लेते हैं। जैसे भाई क्या सोच के ली थी आपने ये? भाई लुक्स, लुक्स मेन चीज, लोगो। ओ तो भाई लोगो पे मर गया भाई। भाई लुक्स तो देखो, मैंने बोला था भाई को भाई अपाचे आरआर 310 है जो, उसकी लुक्स भी सेम है, बट भाई ने बोला भाई लोगो, तो भाई को लोगो से प्यार हो गया भाई। तो लोगों से प्यार भाई, अब इसके खर्चे और बता दो भाई जस्सी, पहली जो है पहली वो बता दो मेरे को, इसकी जो सर्विस है वो कितने की पड़ी? अपने को भाई वही पड़ेगी 6,000 की तकरीब। और सेकंड? सेकंड भाई वही है अपने 10,000। और थर्ड? थर्ड का कोई आइडिया नहीं है भाई। कोई आइडिया नहीं है। सो गाइस अगर भाई ये सब खर्चे अफोर्ड कर सकते हो तो भाई आप लोगों पे मर सकते हो, नहीं तो भाई भाई तेल पानी की तरह पीती है बहुत, मतलब हद ही नहीं है। मतलब क्या माइलेज देती है, आपने क्या माइलेज ली इससे? भाई आप तो चलाते हैं, माइलेज का नहीं पता, बट ये है कि नहीं, फिर भी मतलब 500 रुपए के तेल में कितनी चल जाती है? भाई मैंने तकरीबन अपना डलवाया था, फुल टंकी कराई थी, 3 से 4 दिन चली, वो भी बहुत चलाई, बहुत भी क्या चलाई, मतलब होगी मतलब 20 की मान के चले आप। हाँ हाँ 20 की तो मिल जाती है, इतनी तो है, 310 सीसी है तो मिल जाती है इतनी। तो फीचर के बारे में ही पूछ लेते हैं। तो भाई जस्सी बताओ आप इसके बारे में कुछ, हम मीटर पे आ जाते हैं पहले। तो जो मीटर की बात करें ना, एक मोबाइल सेटअप सा मिल जाता है यहाँ पे हमें, भाई ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉपरली मोबाइल सेट कर रखा है यहाँ पे। तो नेविगेशन वगैरह मिल जाते हैं हमें, ये देखो। तो जस्सी भाई बताओ क्या क्या मिल जाता है हमें इसके अंदर? सर इसमें आपको अपने को मोड्स मिल जाते हैं। मोड्स कहाँ से चेंज होते हैं? सर यहाँ से सेट से होंगे, ये हमारे पास राइड मोड है। ओके। अर्बन पे अर्बन रेंज स्पोर्ट्स ट्रैक मोड। ओके। ठीक है, और ये अभी चल रही है हमारी स्पोर्ट्स मोड पे, इसमें ट्रिप डिटेल्स, माय व्हीकल परफॉर्मेंस सब पता चल जाएगा, इसमें ही पता चल जाएगा। तो सारा कुछ टाइम वगैरह सारा कुछ मिल जाता है हमें इसमें, फ्यूल रेंज कितनी चलेगी सब दिखाता है इसमें, सब दिखाता है। और देखो सब बताने के बाद भी भाई को ये नहीं पता कि माइलेज कितनी दे रही है, तो ये भी ना बड़ा घोटाले वाली बात, माइलेज कितने की दे रही है, तो कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा छेड़ी नहीं ना अभी। हाँ छेड़ खाने के लिए कितना टाइम हो गया आपको? भाई अभी थोड़ा ही टाइम हुआ, ज़्यादा नहीं। कितना टाइम? 1 month, 2 month? 1 महीना होने वाला है। 1 महीना होने वाला है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी भाई ने 1 महीना चलाई है तो ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं है। भाई नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम लोग तो भाई पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या नहीं है। नहीं नहीं अभी पता नहीं चलेगा। जस्सी भाई मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, कई चीज़ आप देखो, अब किसी चीज़ की आप शर्ट ले आते हैं, वो पहनते हैं, अपन यूज़ करते हैं, जब पता चलता है तो वही चीज़ है, अपन यूज़ करेंगे ना इसको, अपन यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे जस्सी भाई के साथ फ़न करने जैसे अब करेंगे, और भाई रोड पे दौड़ाएंगे अब इसको घोड़ों की तरह, भाई देखो इसकी शेप देखो भाई, वो भी घोड़ों की तरह ही है। तो अभी इसको रोड पे दौड़ाएंगे और मिलता हूँ मैं आपको गोप्रो पे। तो गाइज यहाँ से भाई निकलने का हो चुका टाइम, इंडिकेटर बंद कर लो। तो हम भाई चलाने वाले हैं BMW 310, और भाई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपको। ओ भाई अपने वाली से तो भारी है, डबल सीसी हो गया यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड। तो भाई जहाज बनने के लिए तैयार है। ओ भाई बिल्ली, मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी बिल्ली होगी इसके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हाथ में लिया ना, तो रिएक्शन अच्छे आ रहे हैं भाई पब्लिक के, एकदम सेक्सी। तो मेरे को यहाँ के रास्ते वगैरह नहीं पता, तो जस्सी भाई मैंने आके कर रखे हैं, भाई जस्सी भाई मेरे को रास्ते वगैरह बता देंगे ना, तो
थोड़ा सा मैं घूम नहीं आऊँगा यहाँ पे। तो भाई रिएक्शन देखो भाई पब्लिक के, एकदम सेक्सी वाले आ रहे हैं। सो गाइज कुछ इस टाइप की एंट्री है इसकी, ये अच्छी शेप में बना रखा है ये देखो, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है ये। और यहाँ पे हमें बाहर पार्किंग मिल जाती है अच्छी खासी, फ्री वैली पार्किंग। ये अच्छा एरिया है यहाँ का, मतलब अपनी गाड़ी वगैरह ना बाइक वगैरह बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पर अब जैसे जो भी चार्जिंग के व्हीकल है वहाँ पर चार्ज हो जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ बना दी है। भाई व्हाइट हाउस, अब कैंटीन के अंदर आ गए, यहाँ पर पेट पूजा कर सकते हो। दे 42 के लेख, तो अगर आप आ रहे हो तो फोटोशूट के लिए भाई बहुत ही अच्छी जगह है, हमने भी यहाँ पे बहुत सारी फोटोज करवाई हैं। तो ये जो देख रहे हो ना भाई, ये तालाब ऐसे नहीं भरता, ये छठ पूजा वाले दिन भरता है, वैसे तो खाली है। ये देखो भाई हमको, मेरे को चैनल पे लेना ठीक है, ऐसे देखो तलवार, ये देखो अलग अलग होते। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा भाई, ये जो ब्रिज लोहे का ब्रिज बनाने वाला है। हाँ, और ये देखो भाई पेड़ पौधे काफी अच्छी जगह लगी मेरे को ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।